हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस एकेडमी। आज हम एक पोएम करेंगे जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। पोएम का नाम है ओ हाउ मच मोर डथ ब्यूटी। ओके, विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता, उन्हें सब जानते होंगे। वो एक ग्रेटेस्ट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर में। 1564 में उनका जन्म हुआ। ओके, और उन्होंने 37 प्ले लिखे जिनमें हिस्टोरिकल प्लेज, ट्रेजडीज, कॉमेडीज आदि सब शामिल हैं। और उन्होंने सोनेट्स भी लिखे, सोनेट सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ 154 सोनेट्स। और जो सोनेट्स होते हैं ना, एक्सप्रेस करते हैं उसकी इंटेंसिटी ऑफ हिज फीलिंग्स। ओके, एंड सम ऑफ हिज प्लेज ऑल्सो कंटेन पोएम्स विच ऑल कंटिन्यू टू गिव प्लेजर्स टू द रीडर्स थ्रू ऑल एजेस। अब जो यह सोनेट है, ओ हाउ मच मोर डथ ब्यूटी, यह 54 नंबर का सोनेट है। ओके, और इसमें पोएम है, यह पोएम जो है ग्लोइंग ट्रिब्यूट दे रही है पोइट के डियर फ्रेंड को, क्योंकि जो उसका फ्रेंड है वो बहुत ही सुंदर है दिखने में, उसमें गुण भी हैं, विच्यूज भी हैं। तो जो उसके आंतरिक गुण है ना, वो उसको ज़्यादा अमरता प्रदान करते हैं। वह इस पोएम में एग्जाम्पल लेता है रोज़ का, उससे कंपेयर करता है। ओके, पोइट कहता है कि जब इनर ब्यूटी हो ना, तो आउटर ब्यूटी और भी ज़्यादा निखर जाती है। ओके, वह इस गुण को ना, जो इनर ब्यूटी है उसको मीन्स सबसे अच्छा मानता है, स्वीट ऑर्नामेंट मानता है। और एग्जाम्पल देता है गुलाब का, कहता है कि जो गुलाब होते हैं वो कितनी अच्छी खुशबू होती है। ओके, वैसे ही गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर। अब वह बताता है कि गुलाब सिर्फ खुशबू देते हैं, खुशबू ही नहीं देते बल्कि बस दिखने में भी सुंदर लगते हैं। उनमें दोनों गुण होते हैं, उनमें कांटे भी खिलते हैं, वे गर्मी की हवा में झूमते भी हैं, मगर जो उनकी सुंदरता है ना, केवल बाहरी नहीं है, उनमें अच्छी सुगंध भी है। अब वो एग्जाम्पल देते हैं जो कि जंगल में गुलाब खिलते हैं, उनका उनमें खुशबू नहीं होती, बस वो दिखने में सुंदर होते हैं, इसलिए वो अनसीन ही रह जाते हैं, लोग उन्हें देखते ही नहीं है, वो जंगल में ही रह जाते हैं। उनकी ब्यूटी और बढ़ जाती है अगर उनमें सुंदरता के साथ साथ सुगंध भी होती। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो जंगली गुलाब हैं वे बाग के गुलाबों की तरह सुंदर दिखते हैं, बट केवल बाहरी दिखावा है, कोई भी नहीं तोड़ता उन्हें, क्योंकि उनमें सुगंध ही नहीं होती, ना ही वे किसी का ध्यान आकर्षित कर पाते हैं अपनी तरफ, और ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। मगर जो बाग के गुलाब होते हैं, गोल्डन गार्डन रोजेस होते हैं, हैव ग्रेट वैल्यू इन आर आइज। हम उन्हें निचोड़ कर, स्क्वीज करके उनका इत्र निकालते हैं, एसेंस निकालते हैं, विच रिमेन विद अस व्हेन द रोजेस देमसेल्व्स हैव पेरिश्ड। ओके, जब हमारे पास गुलाब नहीं होते, वो नष्ट भी हो जाते हैं, पर उनकी खुशबू हमारे पास रहती है। इस प्रकार कवि कवि के फ्रेंड की ब्यूटी है, उसकी डेथ के बाद भी सुंदरता का वर्णन रहेगा, उसकी सुंदरता जीवित रहेगी पोइट की पोइट्रीज में, शेक्सपियर के सोनेट्स में। जिस तरह गुलाब से इत्र निकाला और वह बेशक गुलाब नष्ट हो गया पर उसकी खुशबू रही, वैसे ही बेशक पोइट का फ्रेंड मर जाएगा बट उसकी जो सुंदरता है, उसके जो वर्चुज हैं, वह हमेशा रहेंगे पोइट की।